क्या बना गुड रहे हो आज? आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, वो है माघी खिचड़ी। जी हाँ, जैसा कि पता है कल मकर संक्रांति थी और देश में सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से मकर संक्रांति को मनाया और हमने भी बहुत सेलिब्रेट किया। मैंने जैसे वीडियो भी आपको शेयर किया है, तो अब मैं आपको एक्चुअली हम लोगों ने कल घुटके और खजूर भी बनाए, बट उसकी मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट अभी हम लोग माघी खिचड़ी की तैयारी कर रहे हैं। मेरे बेटे बेटी को बहुत अच्छी लगती है, उसके लिए जो जो मैंने प्रिपरेशन कर रखी वो ये हैं। और ये मैंने प्याज काटा है, अदरक काटा है और ये इसमें मैंने लहसुन और उसका पेस्ट बना रखा है। दिखाओ। ओके, दिस लहसुन और किसका? लहसुन, अदरक और मिर्च का। तो अभी मैं ये चटनी पीसने जा रही हूँ भांग की। इसमें क्या क्या है? इसमें मैंने भांग डाला है, हरी मिर्च, अदरक, नमक। ओके, और मैं इसको पीस के अभी दिखाती हूँ। गो। हमारी चटनी क्या रेडी है? ओके, इसमें मैंने एक मेन इंग्रेडिएंट डाला है, दैट इज गुड़, खट्टी मीठी चटनी गुड़ की। कुकर में घी डालने जा रही हूँ क्योंकि इसमें घी पड़ता है मेनली, और मतलब घी इतना भी नहीं कि आप बीमार पड़ जाए, मतलब अकॉर्डिंग योर फैमिली मेंबर। ओके, आती क्यों मना, ठीक है। मैं थोड़ी इसको स्विच ऑफ कर दूँ, जल जाएगा। मकर संक्रांति हम लोग इसलिए मनाते हैं ना क्योंकि इस दिन जो सूर्य है धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। कहा जाता है, मतलब एक किंवदंती है या रियलिटी है कि इस खास दिन पर सूर्य अपने पुत्र शनि को मिलने के लिए खुद उसके घर में प्रवेश करते हैं। ओके, और है देखिए, मकर संक्रांति हर प्रांत में हर राज्य में अलग अलग ढंग से मनाई जाती है। जैसे गुजरात में है, गुजरात पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके गुजरात में खिचड़ी पर्व, असम में के दिन बिहू होता है, आपको मालूम ही होगा, और दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पे ना सूर्यदेव धनु राशि से निकल कर अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश कर जाते हैं, एज आई टोल्ड यू। ओके, तो इसीलिए मकर संक्रांति का त्यौहार 2 दिन मनाया जाता है। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 दिन मनाया जाता है इसमें। एक्चुअली मैं आपको भी बता दूं, उत्तराखंड में भी क्या है, 2 दिन मनाया जाता है, 14 और 15। 14 को हमारा क्या है, हमारी सरयू नदी है, मैं भी बागेश्वर की हूँ, तो सरयू नदी है, उसमें एक पुरानी प्रचलित प्रचलन चला हुआ है, सॉरी, कि एक वार बाजार होता है, एक पार बाजार, यानी कि नदी के अपोजिट साइड जो हमारे अपोजिट हैं वो लोग 14 को मनाएंगे, और जो हम जहाँ पे हम रहते हैं वो 14 को मनाएंगे, हम 15 को। एक्चुअली तो उन्होंने जो काले कौवा कर दिया है वो कल कर दिया और हम लोगों ने आज मॉर्निंग में किया। देखिए कितनी अलग 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 जगहों के अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग धारणाएं और अलग अलग प्रचलन होते हैं, और अच्छा भी लगता है, हर जगह का अपना अपना एक मतलब कल्चर होता है। और आज के दिन तो पतंग भी उड़ाई जाती है, राइट, और हम लोग भी वहाँ तो घुटते भी बनते हैं और खजूरें भी बनते हैं। उसकी रेसिपी मैंने आपको शेयर तो नहीं करी, बट मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने कल बनाए थे, बहुत थोड़ा बहुत बनाए हैं। देखिए ये हैं दीज आर घुटका, जो मैंने अपनी कोशिश पूरी कोशिश की है बनाने की, और दीज आर खजूर, ये खजूर है, देखिए ये खजूर हैं, इसमें पोहे बनाए हैं। मैं इसकी रेसिपी आपको जल्दी शेयर करूंगी कि अब तुम बना सकते हैं। ओके, अब हम बनाएंगे अपनी माघी खिचड़ी, ओवर टू माघी खिचड़ी, राइट। हाँ जी, अब मैं थोड़ा ये बताना चाहूंगी कि कुमाऊं में जो है ना उत्तरायणी मेला, उत्तरायणी के दिन उत्तरायणी मेला लगता है कुमाऊं, या हमारे बागेश्वर में बहुत ही भव्य उत्तरायणी मेला, बेटा आप हटो थोड़ी, बहुत ही मतलब बहुत ही क्या कहा जाए, मैं आपको उसका भी वीडियो शेयर करूंगी। इस बार तो नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस ओमिक्रॉन, लास्ट ईयर भी नहीं लगा था,
तो मैं ये कहना चाहूँगी उत्तरायणी के दिन ना कुमाऊँ में हमारे उत्तराखंड में सरयू, रामगंगा, काली, गौरी और गार्गी यानी कि गौला आदि नदियों में कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी लोग ना सुबह स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, सूर्य को अर्घ देते हैं, सूरज भगवान को अर्घ देते हैं और उनकी आराधना भी करते हैं। ओके, और देखिए मैं जैसा बोल ही रही थी, आपको बता ही रही थी कि जो उत्तरायणी है ना, उत्तरायणी कौतिक बोलते हैं ये, इसका सबसे बड़ा जो मेला है ना बागेश्वर के सरयू बगड़, यानी कि बगड़ या बगड़ होता है मैदान, जो हमारे कुमाऊँ पहाड़ी लैंग्वेज में बोला जाता है, तो बगड़ मीन्स मैदान। तो बागेश्वर ही एक ऐसी जगह है जहाँ उत्तरायणी का मेला बहुत भव्य रूप में मनाया जाता है। ओके, अब मैं खिचड़ी बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मम्मी जब तक अभी वो कर रही है तो मैं एक मतलब जब तक मम्मी खिचड़ी बना रही है मैं बना रही हूँ मम्मा क्या लहसुन का यस लहसुन का नाम। तो इसमें मैंने कूटना ले लिया है, मैंने लिया है मैंने लिया है 6 to 7 cloves of garlic, one green chili that I have divided into 2 equal parts. Now then I will put some a little just to make for the color I'm gonna put some Kashmiri lal mirch, then some jeera, garlic, dilli, yes, and some Himalayan pink salt. That's enough, I think. Okay. And then we have baby spices. आटा ये मल्टी स्कॉल करते हैं, जैसे मैंने परसों एक वीडियो में आपको दिखाया था ना कि पालक की रोटी बच्चे खाते हैं, तो बस मैंने
आज भी सुबह आलू पालक बनाया था, तो ये प्यूरी बच गई थी थोड़ी सी, मैंने आटा गूंथ दिया हमने, ये देखिए इसका इसका भी मैं दाल पराठे में बना दिया। तो फ्रेंड्स ये है, ये है मैं बनाया था ना, मैं बनाया था ये, तो फ्रेंड्स ये है भांजी चटनी कटी और चाइनीज़ का बटर ना भूलिए, मैं आपको बताऊं बटर ना भूलिए, मैं बनाऊंगा 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 बटर ना भूलिए, देखिए खाना लग चुका है, गर्मा गर्म भाप भी आ रही है, ये सारे आइटम लग गए हैं और बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट मिलते हैं न्यू ब्लॉग पे। बाय।